लास्ट में भी हम बने ये चलते थे, कैमरा बंद हो गया, तो ये नेक्स्ट में सेशन आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए 29 अप्रैल को क्या था, पेड वेजेस। क्या है पेड वेजेस? तो अपन ने वेजेस पे करी, तो देखिए एक होता है वेजेस और एक होता है सैलरी। क्या डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में? जो लोग ऑफिस में रहकर मेंटल वर्क करते हैं उनको जो अपन पे करते हैं वो सैलरी कहलाती है, और जो लोग फैक्ट्री में फिजिकल वर्क करते हैं उनको जो अपन पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका वेजेस कहलाता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या है? पेड वेजेस। तो यहाँ पे एक तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? वेजेस अकाउंट। और वेजेस अपन काय में पे करेंगे? कैश में। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट। वेजेस आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए वेजेस अकाउंट को करा डेबिट। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? कौन सा अकाउंट डेबिट किया? वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट। कितने वेजेस पे करिए? 450। और क्रेडिट किसको करा है? कैश को। तो टू कैश अकाउंट कितना? 450। नरेशन आएगा बीइंग वेजेस पेड। समझ आ गया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू गोपाल। क्या है? पेड सैलरी टू गोपाल। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अपन किसी पर्सन को किसी एक्सपेंस के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा, ना कि वो पर्सन का अकाउंट। जैसे यहां पे ट्रांजैक्शन क्या है? पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को क्या पे कर रहा है? सैलरी। तो एक तो यहां पे सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और सैलरी हम काय में पे करेंगे? कैश में। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। यहां पे गोपाल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। समझ आया क्या बताया मैंने? कि अगर किसी पर्सन को किसी एक्सपेंस के लिए अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होता है, ना कि उस पर्सन का अकाउंट। राइट। तो क्या थी ट्रांजेक्शन? पेड सैलरी टू गोपाल। तो गोपाल को क्या पे करिए? सैलरी। तो इसलिए सैलरी अकाउंट इफेक्ट हुआ, और सैलरी काय में पे करेंगे? कैश में, इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। सैलरी आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी अकाउंट हो गया डेबिट। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिज सैलरी पे करेंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगा, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो क्या हुआ है? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है। कितना? 1200। और क्रेडिट किसको करा है? कैश को। तो टू कैश अकाउंट कितना? 1200। नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड टू पेड इन कैश, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी रिसीव कमीशन। कमीशन रिसीव करा, तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो आपकी क्या इनकम है, ठीक है ना? तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कमीशन काय में रिसीव करेंगे? कैश में। तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका कमीशन। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन ने कमीशन रिसीव करा है तो बिजनेस में कैश आएगा, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कमीशन क्या है? आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये कमीशन आपकी इनकम है, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 200। और क्रेडिट किसको करा है? कमीशन को। तो टू कमीशन कितना? 200। नरेशन आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव। अब अपन ने यहां जो लास्ट पेज का टोटल था यहां लिखा था, तो लास्ट में यहां अपने टोटल लगाते हैं पूरे डेबिट का और क्रेडिट का। समझ आएगा? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये जो जनरल एंट्री चैप्टर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया तो आगे अकाउंट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा। और ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे आपको अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं आगे 12th में भी। तो दोबारा बता रहा हूं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहिएगा, जो डेली मिलता है डेली का डेली होमवर्क करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।